चर्चा हुई है और क्या कुछ अब आगामी रहने वाला है? वार्ता आपसे अभी तक नहीं हुई है। देखिए, ये तो जो हमारी आपस में मीटिंग होती रहती है, पांचवें स्टेशन की आज हमने 3:30 बजे मीटिंग रखी थी, तो हमने हमारी आगे आगे की जो रणनीति है वो तो क्या रहेगी उस पर चर्चा हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या निकल कर आया क्या? क्योंकि अभी तक वार्ता आपको बुलाया नहीं है, मगर वार्ता का नहीं, आपने समय दिया है। क्या लग रहा है, सरकार गंभीर नहीं है आपके मसलों को लेकर, वार्ता के लिए या बुलाया नहीं बात गया, भी करना चाहती जबकि है आपसे? दो एनजीओ संगठन, जो एनजीओ फेडरेशन है, दो उनसे आज मुलाकात हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, एनजीओ फेडरेशन एक होती है, अब दोनों को बुलाया है माननीय मुख्यमंत्री ने। हम तो चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि किसी एनजीओ को वो एफिलेशन दे, मान्यता दें, ताकि वो जो है राजपत्र कर्मचारी महासंघ जिसको बोलते हैं, वो जो ये मुद्दे हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारी के मुद्दों को सरकार के साथ उठाए। लेकिन जैसे कि ये जो हमने मुद्दा उठाया है डीए एरियर, डीए 3 किस्त डीए की और पे स्केल एरियर, ये मुद्दे भी उनके होते थे। जैसे कि आपको पता है, विदित है कि पूरे प्रदेश में आज के समय में कोई भी कर्मचारी नेता नहीं है, और इसीलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी कि हमारे को फोन आते रहे, ये बहुत सारे हमारे को पास उनका समर्थन आया है, जिनको बाद में हमारे महासचिव आपको बताएंगे किन किन का समर्थन आया है। इस करके हमारे को ये मुद्दे उठाने पड़े। अब आगामी क्या रणनीति है, क्या काले बिल्ली लगाकर प्रदर्शन आपका जारी रहेगा जाने सत्र के दौरान? क्योंकि 2 दिन का, हालांकि अभी बीच में समय है, लेकिन छुट्टी वाले दिन है दोनों, तो लग रहा है कि वार्ता के लिए सरकार बुलाएगी या बुलाना नहीं चाहती। ये तो हमें नहीं मालूम सरकार का क्या रवैया है, बुलाना चाहती है नहीं बुलाना चाहती है। बुलाती है तो उनका स्वागत करते हैं, हम अपने मुद्दे को उनके साथ बात रखेंगे, लेकिन जैसे कि हमने निर्णय लिया है कि हम मंगलवार तक इंतजार करेंगे, मंगलवार को फिर बुधवार से हम काले बिल्ले लगा के पूरा रोष व्यक्त करेंगे विधानसभा में। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा के दौरान पूरा प्रदेश का कर्मचारी, क्या मतलब सचिवालय का कर्मचारी खासतौर पर, पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ काम करेगा, ताकि विधानसभा सेशन के दौरान कोई विघ्न न पड़े। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी है वो स्वयं भी बहुत ही परिश्रमी है, सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम को 9 बजे जाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम भी उनका सहयोग करें और हम विधानसभा के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। ये जो संजय आज जी, 2 एनजीओ फेडरेशन के साथ चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की, उसके बाद सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगले महीने फिर से वार्ता होगी इनके साथ, और जो एरियर और डीए का मसला है वो सरकार के ध्यान में है, और कोशिश रहेगी सरकार की कि इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस तरह का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सरकार ने दोनों गुटों को बुलाया है, ये भी इसी का परिणाम है जो हमने रोष व्यक्त किया, अन्यथा आज तक सरकार ने इन दोनों गुटों को क्यों नहीं बुलाया, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि महीने के बाद अब किस गुट को बुलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, ये तो स्पष्ट नहीं है, तो ये तो आज स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि किस गुट को प्रदेश सरकार मान्यता देने वाली है, किस ताकि वो किस गुट के साथ अपने कर्मचारी जो प्रदेश के हैं वो उनके साथ अपनी मांगों को उठा सके। संदीप जी, एक सरकार में जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि चंद लोग जो है कर्मचारी नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। देखो, मैं जवाब दे चुका हूँ उनको, अब मैं जवाब नहीं देना चाहता। उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तक आपने कोई मुख्यमंत्री को मांग पत्र मांग नहीं आया पत्र नहीं सचिवालय कर्मचारियों की तरफ से, और एकदम से ही सरकार पर जो है मोड़ पे आ गए हैं ये लोग। देखिए, क्या आपने कभी मुख्यमंत्री से मिले, कोई मांग पत्र सौंपा है? जहां तक मांग पत्र की बात है, मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा जाता है, वो मुख्य सचिव को सौंपा जाता है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, काफी प्रिंट मीडिया में भी आया था कि हमने माननीय मुख्य सचिव को मांग पत्र 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंप रखा है। इसीलिए मैं उनके अब जो बयान होते हैं ना, उनका जवाब नहीं देना चाहता हूँ। एक उन्होंने ये बयान दिया है, बोला है कि जिस तरह से गुंडा मवाली व्यवहार शब्द का इस्तेमाल उस तरह तरह की की भाषा का कर्मचारी इस्तेमाल नेता वो कर रहे हैं। वो हमारी शब्दावली की बात कर रहे थे पहले, कि हमारी शब्दावली क्या है। ठीक है, मेरे जो एसोसिएशन के कन्फेडरेशन के कुछ लोग थे, उन्होंने शायद उनको उनकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी थी, हम उसके लिए चलो माफी मांग सकते हैं,
और उनकी अपनी शब्दावली क्या है, नैनो वाली क्या। और ये जो प्रकरण शुरू हुआ है कहाँ से शुरू है, उन्होंने पहली अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सचिवालय के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के मतलब सबके लिए, उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी हमारे साथ खड़े रहते हैं तो जो उनको मिल रहा है, वो मिलता रहेगा, अन्यथा इसमें भी कटौती की जाएगी। इसका क्या मतलब है? उन्होंने धमकी हमारे को पहले दी, उसके बाद हमने अपना रोष व्यक्त किया, अब वो गुंडा मुवाली बोल रहे हैं, सचिवालय के एपेक्स ऑफिस के लोगों को गुंडा मुवाली बोल रहे हैं। गुंडा मुवाली सचिवालय के एपेक्स ऑफिस के साथ साथ पूरे प्रदेश के कर्मचारी को बोल रहे हैं, क्योंकि सचिवालय के लोगों ने ये मुद्दे क्यों उठाने थे आप बोलिए, हमारे को क्या फर्क पड़ना था? ये जो मुद्दे हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के कर्मचारी में कितना रोष है। ये जो अभी आपको लिस्ट गिनाई जाएगी, रोज कम से कम आप मेरा उनको बोलिएगा, मेरा फोन चेक आप कर सकते हैं कि मुझे कितने फोन आ रहे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के, कि कोई तो है जिन्होंने हमारे मुद्दे उठाए हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का समर्थन आज हमें मिला है, तभी हमने ये मुद्दे उठाए हैं। हम अपने लिए नहीं उठा रहे, हमें क्या फर्क पड़ता था प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों को। लेकिन जब हमने देखा पूरे कर्मचारियों की भावना को, जब हमने समझा, तब हम ये मुद्दे उठाए। आपका आज ये भी कहना है कि जो भत्ते हैं वो हम आधा करने को तैयार है, बशर्ते कर्मचारी वही तो मैं बोल रहा हूँ, किस तरह की बयानबाजी करते हो। ये जो भत्ते मिल रहे हैं वो 68 एमएलओं को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे नहीं मालूम क्या 68 एमएलओ को उनको पास सहमति पत्र है, पहले तो ये बताए, क्योंकि ये तो पूरे 68 एमएलओ की बात है ना जो बोल रहे आधा करने को तैयार है। क्या उनके उन्होंने 68 एमएलओ से सहमति पत्र लिया है कि हम तैयार हैं आधा करने को? तो इसीलिए हम ज्यादा उनके बारे में हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री है, ये जो फजीहत हो रही है इन इस तरह के बयानों से, है ना, वो तो माननीय मुख्यमंत्री की हो रही है, जिनकी अच्छी छवि है, जिन्होंने मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक भी शब्द नहीं कहा हमारे इस पर, तो वो जानते हैं कि हम बार बार उनसे मिले, तभी हमने ये कदम उठाया। संजीव जी, एक और बात उन्होंने कही है कि आप किसी के बेकावे में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो उकसाया जा रहा है, उनको बोल रहे हैं, मेरे को कोई कॉल डिटेल देख रहे हैं, किसी भी मंत्री ने, किसी भी एमएलए ने, किसी भी ने भी मेरे से बात की, हम उन किसी के बेकावे में क्यों आए? आप सोचिए हम किसी के बेकावे में क्यों आएंगे सचिवालय कर्मचारी? हमने कोई उस तरह की राजनीति, हम तो यही है, हमारी कोई ट्रांसफरेबल जॉब तो है नहीं कि हम किसी के मुकाम में आए उनका समर्थन उनको दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमने तो कोई अपने मुद्दे उठाए थे, उसके साथ हमने डीए भी उठा दिया, जब हमने डीए और ये मुद्दा भी उठाया, जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश के लोग, आप देख लीजिए मेरा, जब मैं कोई बाइट दी तो लाखों में आ रहे हैं उस पर भी, कोई तो है कर्मचारी नेता, आप देखिए ना, आप फैक्ट्स पे जाइए, आप ही चैनल वाले हैं, आपके उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं हमारे लिए, एक भी कोई गलत है? इन्होंने स्टेटमेंट दी परसों जब दी थी कि भाई कार देंगे, किस तरह के व्यूज आए उस पर, मतलब शर्म आ रही बोलते हुए, इस तरह के व्यूज आए, उसके बाद खुद भी आज कहते कहते गुंडे मुआ लिए हम, तो मतलब तभी ना इसमें छवि किसकी खराब हो रही है माननीय मुख्यमंत्री, पर या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है कि आपकी छवि खराब हो रही है इस तरह की जो भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। पर हम जो है ना नहीं बोलना चाहेंगे, हमने अपने सोच लिया है, हम शांतिपूर्वक ताले बिल्ले लगाएंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाते हमें वार्ता के लिए, और उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। ये हमारा निजी तो है नहीं, क्या मिलेगा वो तो सबको एक बराबर मिलेगा, लेकिन अगर कर्मचारी नेता हम बने हैं, कर्मचारी लोगों ने हमारे पर विश्वास कर रहे हैं, पूरा प्रदेश को के कर्मचारियों को अगर कोई आस उनको दिख रही है, हमारे पर उन्होंने विश्वास किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। अभी तक कितना जो निगम बोर्डों के वो कर्मचारी कितने ऐसे आपको समर्थन, जैसे मैंने कमल शर्मा जी, ये अभी उनके पास पूरी डिटेल है, अभी तो ये तो फिर भी हाफ है, अभी हमारे को प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, लेकिन जो भी अभी हमने प्रिंट आउट इन्होंने अभी निकाल के लाए वो आपको बता देंगे कौन कौन से। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जैसा कि आपको प्रधान जी ने बताया ही है,
हम 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, हमने उनसे अनुरोध भी किया था और कि आप बीए दे दो, एरिए दे दो, कुछ तो दे दो, 15 अगस्त की सौगात हमने मांगी थी। हम तो ये चाहते थे कि कम से कम अगर वो अनाउंस भी कर देते, भले ही वो अक्टूबर पैडिंग नवंबर कर देते, हम ये नहीं कह रहे थे कि तुम इमीडिएट इफेक्ट से ही दो, तो हम फिर भी कर्मचारियों की ऐसी उम्मीद थी कि जो डीए है अनाउंस हो जाएगा, भले ही वो एक दो महीने बाद मिलेगा। तो पूरे सचिवालय की ही क्या, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को, पूरे प्रदेश के पेंशनर को 15 अगस्त को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो सबकी उम्मीद टूट गई। तो इसी तरह जो उम्मीद थी सचिवालय के कर्मचारियों की, वो उनका प्रेशर हमारे ऊपर 15 अगस्त के बाद वो काफ़ी पड़ गया कि क्योंकि हमारे सचिवालय के भी काफ़ी इशूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, जिसमें कि एक मुख्य इशू मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है वैकेंट पोस्ट। सचिवालय में अगर बात करें पूरे सभी कैडर की, तो लगभग 650 पोस्टें खाली पड़ी। आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार के में ही अगर इतनी पोस्टें खाली हो तो कैसे मतलब सरकार चल सकती है। अगर मैं क्लेरिकल कैडर की बात करूं तो क्लेरिकल कैडर में लगभग 350 पोस्टें खाली हैं। हम काफ़ी पहले मुख्यमंत्री महोदय से मिले भी थे 350 पोस्टों के बारे में, तो उस वक्त कैबिनेट में मैटर गया भी था, हमने कहा था कि कम से कम 150 पोस्टें कर दी जाए, लेकिन वो सिर्फ 50 पोस्टें ही अप्रूव हुई। तो उसी तरह के मुद्दों के कारण जो है कर्मचारियों में रोष था, उनका हमारे पर प्रेशर था, इसलिए हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हमने 21 तारीख को जनरल हाउस अनाउंस किया। जब हमने अनाउंस किया, उसमें हमारे डी और एरियर के मुद्दे तो थे ही विशेष रूप से, उससे जो क्या हुआ कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है हमारे समर्थन में आ गए। हमें उम्मीद नहीं थी, हमने तो अपने सचिवालय का आंदोलन आरंभ किया था। तो मैं कुछ जो मेरे पास लिस्ट है कुछ अभी निकालने के लिए, जो मैं अभी थोड़ी सी लिस्ट लाया हूँ निकाल के, जो मेरे को हुआ है वो मैं बताता हूँ। जो जिनके हमें समर्थन मिले हैं, जो जिनका समर्थन हमें है, एचपी जो गवर्नर सेक्रेटरी है उनके कर्मचारियों को हमको समर्थन प्राप्त है, पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारियों को हमको समर्थन प्राप्त है, लोकायुक्त कार्यालय का पूरा समर्थन प्राप्त है, स्टेट ऑफिस का समर्थन प्राप्त है, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल कार्यालय का समर्थन प्राप्त है, विधानसभा सचिवालय का समर्थन प्राप्त है, और विधानसभा का है सचिवालय का समर्थन प्राप्त है, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन प्राप्त है, हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। स्कूल लेक्चर की आपने बात कही, क्योंकि आज वो उनके प्रतिनिधि मिले थे, प्रेसिडेंट मिले थे, उन्होंने किनारा किया है आपसे, उन्होंने कहा है कि ये मसला उनके ध्यान में नहीं है और वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, यही मिले थे इन्होंने, आज किनारा किया। चलो अब ऐसा है कि कहाँ किनारा किया, क्यों किनारा किया, वो हो सकता कि अब निजी हो रहा है और हमारे पास समर्थन है। तो मैं थोड़ा बीच में ब्रेक कर दूं, किनारा करने का कुछ और कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कर्मचारियों को बांटने की कोशिश करे सरकार, क्योंकि सरकार की हमेशा नीति यही रही है कि बांटो और राज करो। जिस तरह मतलब अंग्रेजों की पॉलिसी थी ना, फूट डालो और राज करो, वही पॉलिसी लगभग हर सरकार की होती है। देखो आप पिछले अगर इतिहास में देखें तो एनजीओज को 2-3 साल तो मान्यता देने में निकाल देते हैं, और अभी हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग 19 महीने का समय जो है सरकार ने गंवा दिया है, जिसमें उन्होंने मान्यता किसी को नहीं दी। हमें नहीं वो जिस मर्जी को मान्यता दें, लोग को दें, प्रदीप को दें, लेकिन जल्द से जल्द मान्यता दें। मान्यता देने से होगा कि कम से कम हमको जो स्टेट के इशू हैं वो हमारे वो उठा पाएंगे, हम अपने सचिवालय के इशूज पे फोकस कर सकते हैं। आज हमको स्टेट के इशूज पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आज कोई एनजीओ नहीं है। आज जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनको बुला लिया गया है, एक मैं आपके इसी में वीडियो में देख रहा था, पत्रकार ने आपके रिपोर्टर ने बड़े अच्छा क्वेश्चन किया कि ये नहीं मालूम कि इनको बुलाया गया है कि खुद गए, ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, इसका हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हमारे आंदोलन का ही प्रेशर ये पड़ा कि उनको बुला लिया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको किसी को मान्यता दे दी जाए, ताकि जो है एक जो है गुठे सामने आए, एक कर्मचारी जो है संगठन वो मामले को उठा सके। आगे मैं कहना जो जुड़े हैं एसोसिएशन के उनसे नाम बताता हूँ। एचपी स्टेट मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है जी।
राजकीय सीएनडी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन, ठीक है जी, एचपीपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश, राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ जल शक्ति विभाग, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, और एक मेरे पास आपके इसमें न्यूज़पेपर में आई है, हमारे पास का लेटर नहीं आया, राजकीय अध्यापक संघ, अब ये पता नहीं कौन सा है नहीं मालूम, क्योंकि एजुकेशन में बहुत सारे एसोसिएशन हैं। ठीक है संजीव जी, अच्छा, नाम जो हो गया है, सरकार में मंत्री है उनके पास आज हम गए, तो उन्होंने एक बात और की है कि स्टेट कैडर बनाने की बात की, कि सरकार के पास सारे दरवाजे खुले हैं और स्टेट कैडर भी बनाया जा सकता है। तभी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे उनके इन सवालों का जवाब ही नहीं देना, उन्हें मालूम ही नहीं है कि स्टेट कैडर हो ही नहीं सकते सचिवालय का। पूरे हिंदुस्तान में सचिवालय का अलग अपना कैडर होता है, तो यहाँ पर कैसे बना देंगे वो? तभी मैं कहता हूँ मुझे नहीं देना उनकी बातों का जवाब, क्योंकि कोई बात हो उसका जवाब उसका दिया जाता है जो कोई सामने से कोई रेलिवेंट क्वेश्चन करेगा, कहते हैं जी स्टेट कैडर बना देंगे, कैसे स्टेट कैडर बनाएंगे, यहाँ के आरएनपी रूल अलग होते हैं। एक सिंपल सी बात बता दूंगा, पूरे प्रदेश में जो ग्रेड वन सुपरिटेंडेंट होता होगा मुझे नहीं लगता 200 ही होते होंगे, और हमारे पास ही यहाँ पे ग्रेड वन सुपरिटेंडेंट जो है दो ग्रेड वन सुपरिटेंडेंट 125 के करीब ही है, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे आप सीनियरिटी करेंगे? यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर 100 कुछ है, मुझे लगता है पूरे स्टेट में इतने सेक्शन ऑफिसर होते हैं। यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनका क्या करेंगे आप? वो मतलब ऐसी ऐसे ऐसे वो देंगे क्या कहते हैं स्टेटमेंट देंगे कि उनको जवाब ही देना भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप सबका जितना मीडिया के मेरे भाई बंधु है, मैं इनका सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे मतलब इधर जो हम लोगों की बात को सुनने के लिए आए हैं कि क्या मंत्री जी प्रतिक्रिया। देखिए मंत्री जी हमारे कोई आदरणीय है, हम लोगों ने चुन के लाया उनको, ये प्रदेश जितना भी होता है तो क्योंकि प्रदेश में जो इलेक्शन होता है क्योंकि तो हमारे सभी भाई बंधु कर्मचारी उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जो कर्मचारी लोग होते हैं जो कि इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सरकार को चुन कर लाते हैं, तो ये हमारे चुने हुए मिनिस्टर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम उनका रिगार्ड करते हैं और आए तो बहुत स्वागत किया है। आप लोगों को मीडिया को भी पता है कि हमने किस तरीके से स्वागत किया है, इनका गाने गाए, ग्राउंड में खड़े होकर कितना इनका इंतज़ार किया कि आए और हमें इनका स्वागत किया कि नई सरकार आएगी और हमारी सरकार है ये, किसी ऐसा मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि ये सरकार जो है हमारी है, ये किसी और की नहीं है, तो इसमें एक प्रतिक्रिया देना ये छोटी छोटी बातों की हो जाता है, एक बयान आता है तो उससे थोड़ा सा प्रभोक हो जाता है आदमी, तो कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो चलो उसके लिए वो क्षमा भी मांग लेते हैं क्योंकि बड़े हैं ये लोग हमसे, उम्र में भी बड़े हैं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे होते हैं जैसे घर में हो जाती है बात, लड़ाई झगड़ा भी बच्चे करते हैं तो चलते हैं, क्योंकि वो अपनों के साथ करेंगे कहीं गैरों के साथ नहीं, तो इसमें दिल बड़ा रखना चाहिए, इसमें कोई ऐसा हम झगड़ा ही बना के रखेंगे, हम सौहार्दपूर्ण तरीके से चाहते हैं कि जो हमारा वातावरण है सचिवालय का वो पूरा वातावरण जो है एक अच्छा जैसा हमारा होता है वो बना रहे, और इसमें कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे तो झगड़े बढ़ जाएंगे और हम झगड़ा करने के लिए थोड़ी आए, हम लोग तो इनके अपने हैं और ये भी हमारे अपने हैं, कोई बात नहीं, और किससे झगड़ा करेंगे हम, अपनों से ही तो किया जाता है, तो हमारी भी कुछ डिमांड्स थी, कुछ बातें थी जो किसी लेवल पे हमारी नहीं सुनी गई, तो उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बाकी रही डीए और ये जो हमारे एरियर की बात है ये पूरे स्टेट का मसला है, हम तो चाहते हैं कि एनजीओज में कोई आए, नेता आए और वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए, क्योंकि स्टेट का पूरा भार होता है तो सचिवालय की अपने ही बहुत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी चलो बात की है तो गलत बात नहीं की है, ये कर्मचारी की आवाज़ है जो हमने चारों तरफ से जिन्होंने भी बोला था हमने उस आवाज़ को उठाने की कोशिश की है, कोई ऐसा हमारा कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से मंत्री जी इसको छोटी सी बात इतना बड़ा इसको मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि हम इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएंगे तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, कुछ लोगों ने कुछ बताएंगे हमारे बारे में, कुछ हम लोगों को ऐसे आता रहेगा कि जी बोल रहे ये कर रहे वो, ये झगड़ा नहीं हम चाहते कि झगड़ा रहे, वो ने बड़े हैं वो थोड़ा बड़ा दिल बड़ा रखें और हमारे उसमें हमारा सपोर्ट करें, हमारी बात को सुने, और मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो हम लोगों की बात को जो है सुने, कोई बात नहीं,
वो हमारे बड़े भाई हैं, वो बात करें हमसे, क्यों नहीं करेंगे? परिवार है हमारा, तो हमने परिवार को बांटना थोड़े ना, परिवार है, परिवार को बना के रखना है, और हमारी जो मुट्ठी बंद है तो बंद ही रहे, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारा कोई इस तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि मंत्री जी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बार बार करें। तो इससे ज्यादा तो मैं आपको और कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बाकी हमारे अनुज जी ये बात करना चाहूंगी। आज जो मंत्री महोदय द्वारा हमारे महासंघ के प्रति प्रतिक्रिया दी गई, मैंने कल भी प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही थी, माननीय मंत्री महोदय संवैधानिक पद पर बैठे हैं, भाषा हमारी नीच हो सकती है शायद, क्योंकि कर्मचारी अग्रेसिव है, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा है, उसको उसके वित्तीय लाभ से वंचित रखा जा रहा है। हम अगर हमारे कर्मचारी साथी में किसी ने थोड़ा कुछ बोल भी दिया, उसके लिए हम बिल्कुल क्षमा मांगते हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने आज फिर वो दोहरा दिया। कल मैंने कहा था, मैंने बड़े संक्षेप में प्रेस वार्ता की थी कि मंत्री महोदय आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि महामहिम राज्यपाल के सामने आपने शपथ पत्र पढ़ा है, उसमें कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें हैं, मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, क्योंकि मंत्री महोदय रोज रोज इसको बार बार इसको दोहरा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। महोदय हमारा जहाँ तक हमारे बारे में आपने कहा गुंडे मवाली, ये शब्द भी संवैधानिक नहीं है, कहा गया चार पांच नेता, मंत्री महोदय चार पांच नेता नहीं है, आपने हजूम देखा गेट नंबर 2 से गेट नंबर 3 तक, उस मेरे ख्याल शायद उनके मीडिया के कैमरे से आप लोगों के कैमरे से नहीं देखा होगा, दुनिया ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हमें फोन आए, हर जगह से हमें समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है अभी तो प्रिंट भी कम निकले हैं, शायद 25-30 जो कर्मचारी संघ हैं और हमारे सेवानिवृत्त जो संघ हैं उनको सभी का समर्थन हमारे हमें प्राप्त है। ये हमारी मांग 3-4 नेताओं की नहीं है, आप जो 3-4 नेताओं को कह रहे हैं कि सचिवालय के का अधिकारी कर्मचारी सरकार के साथ है, तो देख लीजिए जिस तरह की आपकी भाषा है मंत्री महोदय। मैं फिर कहूँगा कल वाली जो प्रेस वार्ता है उसी को फिर दोहराऊंगा कि इसे इस चिंगारी को ज्वालामुखी ना बनाएं, बनाएंगे आक्रोश, प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में आक्रोश है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। मंत्री महोदय का मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ये सरकारी अधिकारियों का बयान है या निजी बयान है, ये तो स्वयं वो जाने। बाकी हम ज़्यादा मंत्री महोदय के बारे में नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो रोज रोज एक दो दो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शायद हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय मंत्री महोदय कर्मचारी एक है, एक था, एक रहेगा। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं बात कहना भूल गया, एक का नाम लेना भूल गया, कर्मचारी एक है, एक था और एक रहेगा, बिल्कुल सही। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, पेंशनरों का भी हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है, उनका भी हमको समर्थन आया है, और शायद उनकी कल बिलासपुर में बैठक थी, उसमें भी उनका निर्णय हुआ है कि हम पूरे जो बढ़ चढ़ कर जो है इनके साथ, वो कब लगभग 2.5 लाख पेंशनर हैं जो हमारे साथ हैं।